प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंचने को है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पूरे चरम पर है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार 300 से ज्यादा सीटों के साथ राज्य में दोबारा सत्ता पर काबिज होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक खास बातचीत में तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। वो सवाल जो लगातार उठ रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, अगर सीटें जरा भी कम होती हैं, तो आखिर यूपी का मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है, चाहे सीटें कितनी भी आए, यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल ये किया गया अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी का चेहरा है, चुनाव में सीटें कितनी भी आए, क्या मुख्यमंत्री वही बनेंगे। गृह मंत्री ने कहा, हम योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हर हाल में मुख्यमंत्री वही बनेंगे, चाहे हमारी कितनी भी सीटें क्यों ना आए। यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे बड़ा है। पहले हर जिले में माफिया होते थे, आज ये सभी जेल में है। यूपी की जनता इसकी सराहना कर रही है। आज आजम, मुख्तार, अतीक जैसे लोग जेल में बंद हैं, पहले ये सोचना असंभव था। 2000 करोड़ की सरकारी संपत्ति पर इन माफियाओं ने कब्जा जमा लिया था। एक धर्म विशेष के लोगों को छूट दी जाती थी, जनता को न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आज जनता को परेशान करने वाले जेल में हैं। आज यूपी में लड़कियां रात में अकेले चल सकती हैं। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन दिसंबर 2013 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोगों का दिल जीतने में पूरी तरह से सफल रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।